काम शुरू हो गया है। ये इतना दूर दराज इलाका है, यहाँ की सड़कें, यहाँ का पानी, यहाँ की बिजली, यहाँ के अस्पताल, यहाँ के स्कूल जैसे होने चाहिए थे वैसे बिल्कुल नहीं है। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये जो हमारे पास 2-3 साल का अरसा बचता है कि आपकी मुश्किलात जहाँ तक भी हो सके हम कोशिश करेंगे उनको कम करने की। अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को हर सब चीज़ें दी हुई हैं, पूरी दौलत से नवाजा है। हमारे यहाँ इतनी खूबसूरती है, इतने जंगल हैं, दरिया है, इतना पानी है कि अगर हम खाली बिजली पैदा कर सकें तो पूरे मुल्क को हम बिजली बेच सकते हैं जिससे हमारे पास खरबों रुपए की आमदनी हो सकती है। और ये जो हम छोटे छोटे कैजुअल लेबर, डेली वेजर और उसके लिए अफसरों के पीछे, एमएलएस के पीछे, मिनिस्टरों के पीछे घूमते हैं तो शायद ऐसा हमें करना ना पड़े। हमारे यहाँ टूरिज्म के हवाले से इतनी खूबसूरत जगह हैं, खासकर ये जो टंगडार का इलाका, ये इतना खूबसूरत है कि अगर हम इसको टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करें तो मुझे लगता है ये जितने भी नौजवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, जो डीजी भर्ती के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो मुझे लगता है टूरिज्म में ये न सिर्फ इनको खुद को रोज़गार मिल सकता है बल्कि और लोगों को भी ये रोज़गार दे सकते हैं। काफ़ी सारी आपकी जो है डिमांड्स हैं जिसमें यहाँ का अस्पताल मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद इन्हीं लड़कियों में, इन्हीं बच्चियों, इन्हीं बहनों में से हूँ और मुझे मालूम है जब तकलीफ़ होती है किसी माँ बहन बच्ची को तो उसको डॉक्टर तक पहुँचाते पहुँचाते, श्रीनगर पहुँचाते पहुँचाते कभी कभी खुदा ना खास्ते उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए मैं ये ज़रूर ऐलान करूँगी यहाँ जो आपका अस्पताल है उसको मॉडल अस्पताल बनाया जाए जहाँ पर लेडी डॉक्टर हो, ऑपरेशन करने वाला सर्जन हो, बच्चों के लिए डॉक्टर हो और जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ होनी चाहिए इस दूरदराज इलाकों में उसमें हम कोशिश करेंगे वो तमाम फैसिलिटीज़ देने की। आपका यहाँ पर स्पेशल सब डिवीज़न बिजली के लिए चाहिए, इंशाल्लाह वो भी मैं कर दूंगी। आपको हेलीकॉप्टर सर्विस की ज़रूरत है, हमने और इलाकों में भी किया, इंशाल्लाह यहाँ भी हम करेंगे उसको। तो आज़ाद हो गई।